कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं ना जो खाने में तो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन उसका छिलने का काटने का प्रोसेस काफ़ी टफ होता है। तो अभी रिसेंटली जब मैं शिलोंग गई थी, तो वहाँ पे जब मैंने पाइनएप्पल खाया था तो उसमें ना बहुत स्वीट सा टेस्ट आया था, और वो लोग ना ऊपर से लाल मिर्च लगा के देते तो बहुत अच्छा लगता है। तो जब मैं पहले पाइनएप्पल खाती थी तो मैं ऐसे ही रॉ खा लेती थी, मतलब मुझे नहीं पता था कि इसको बॉयल करके भी इसको स्टोर कर सकते हैं। तो मैं वही करने जा रही हूँ कि आज मैं पाइनएप्पल स्टोर करके रख लूँगी, ताकि मैं जब भी मेरा मन करे तो मैं उठा के इसे खा लूँ। तो वही मैंने पाइनएप्पल छिल विल के उसको काट के अलग किया, फिर उसके बाद मैंने एक भगोने में पानी लिया और उसमें चीनी डाली 1 से 2 चम्मच, ताकि उसे मिठास आ जाए थोड़ी सी। फिर पाइनएप्पल को मैंने 5 से 6 मिनट के लिए बॉईल किया, फिर उसको मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया एक अलग से प्लेट में। जब वो ठंडा हो गया तब मैंने उसको एक ट्रांसफ़र किया बोल में, जिसमें थोड़ा सा मैंने उसका सिरप भी डाला 2 चम्मच के आसपास। कंटेनर का जो लिड है ना वो बस टाइट होना चाहिए, तो इस तरह से आप पाइनएप्पल स्टोर कर सकते हैं। बस फिर इसमें नमक और मिर्च लगा के खाओ, एकदम से मज़ा ही आ जाएगा। तो तब तक के लिए बाय बाय।